जयपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। जयपुर में लगातार कोरोना का जो आंकड़ा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और इन्हीं बातों को लेकर हमारे साथ जो मुख्य सचेतक महेश जोशी जी साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से जयपुर में जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसमें किस तरह से जो विभाग की ओर से हो या फिर सरकार की ओर से जो काम किया जा रहा है? देखिए, लगातार सैंपलिंग की जा रही है, आंकड़ा जो बढ़ रहा है निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन जितने हम ज़्यादा जाँच करेंगे आंकड़ा उतना बढ़ेगा। लेकिन आंकड़ा बढ़ रहा है इस डर के मारे हम सैंपलिंग को भी नहीं रोक सकते, जांचों को नहीं रोक सकते। जांच लगातार जारी रहनी चाहिए। जो पॉजिटिव आएंगे उनका इलाज होगा, जो निगेटिव आएंगे उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत होगी तो क्वारंटाइन किया जाएगा, नहीं क्वारंटाइन करने की जरूरत होगी तो उनको सावधानी रखने की हिदायत देने के साथ ही उनको आम जीवन व्यतीत करने दिया जाएगा। ये आंकड़ा बढ़ना ये निश्चित रूप से ये जनता के सामने आ भी रहा है, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन इसका जो कारण है, जैसा मैंने बताया कि जांच जितनी ज़्यादा होगी आंकड़ा उतना बढ़ेगा, लेकिन हम सचेत हैं। हम इस वायरस के खिलाफ जो लड़ाई राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो जारी रखी है, इस लड़ाई को लड़ेंगे, लोगों की सुरक्षा करेंगे और निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस को हराएंगे। शहर में कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए लगातार आप जिला कलेक्टर या जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हो, तो किस तरह के नए जो दिशा निर्देश आपकी ओर से दिए जा रहे हैं, किस तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, किसी बात की चिंता नहीं करें। पहले लोग थोड़ा विरोध करते थे, जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा, लोगों को लगने लगा है कि जांच जरूरी है, वैसे वैसे लोग जांच में भी सहयोग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करके चलता हूं लोगों का सहयोग मिलेगा, जो बहुत ही आवश्यक है, तभी हम इस बीमारी से पार पा पाएंगे। हम लगातार किस तरीके से लोगों को राशन पहुँच सके, लोगों को भूखा नहीं रहना पड़े, लगातार जो एक व्यवस्था चल रही है खाने की, वो व्यवस्था कैसे हम सुचारू चला सकें, अब तक मैं ये बात संतुष्टि के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर में हमने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया है। चाहे किसी भी इलाके के लोगों, किसी क्षेत्र के लोगों, उनको हमने खाना पहुँचाने की कोशिश की है, राशन पहुँचाने की कोशिश की है। जहाँ जाँच की आवश्यकता है जाँचें करी है, जहाँ इलाज की आवश्यकता है वहाँ इलाज कराया है। हर तरीके से लोगों को तकलीफ कम से कम हो, इस बात की कोशिश प्रशासन की और सरकार की है। कोरोना की जंग जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन आगे बढ़ाया है, ऐसे में सरकार की ओर से किस तरह की जो तैयारियां हैं, राजस्थान में किस तरह की तैयारियां, जयपुर में किस तरह की तैयारियां हैं? हम पूरी तरीके से राशन लोगों को पहुँचे इस बात की कोशिश कर रहे हैं। जाँच का मैंने बताया, लगातार जाँच जारी है, और अभी सबसे बड़ी 2 ही बातें हैं, या तो स्वास्थ्य है या रसद विभाग, राशन पहुँचे, खाना पहुँचे, जांच हो और इलाज हो, और इन चीज़ों पे हमारा पूरा कंसंट्रेशन है। लोगों को आवागमन में भी कम से कम तकलीफ हो, इसके बारे में विचार सरकार करेगी, और किन चीज़ों को हम किस तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में कैसे हम उन चीज़ों को मुहैया करा सकते हैं, कैसे उनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, इस बारे में भी सरकार विचार कर। तो कहा जा सकता है कि जो पर्याप्त राशन भंडार सरकार के पास है और चिकित्सा सुविधा है, वो दवाइयाँ वो पर्याप्त है? भाई, ये कितना लंबा चलता है, निश्चित रूप से मैं ये कहूँ कि हम ने एकदम 100% हमने कमी को पूरा कर लिया, तो ऐसा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। ये जनता देख रही है कि हमारी गंभीर कोशिशें, हमारी पूरी कोशिशें हैं। दवाई की जहाँ आवश्यकता वहाँ पहुँच रही हैं, जहाँ पर राशन की व्यवस्था है थोड़ा आगे पीछे करके पहुँच रहा है, और लगातार ये जंग जारी रहेगी जब तक हम कोरोना पर विजय नहीं पा लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना की जंग से जीतने के लिए तमाम संसाधन मौजूद है, चिकित्सा सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ लोकेश ओला A1 TV। चलिए, जयपुर में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।